जारी जंग का आज 164वां दिन है। इस बीच रूस और यूक्रेन ने सोमवार को एक दूसरे पर दक्षिणी यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलाबारी करने का आरोप लगाया। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की गोलाबारी से आग लग गई और कर्मचारियों को 2 रिएक्टरों से उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर वहां हथियारों के भंडारण का आरोप लगाया। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश ने हिंदी में ईश्वर के नाम की शपथ ली। उनके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के वाटर हिल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि इलाके में लतीफ राथर समेत आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी हैं। वे राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट सहित कई नागरिकों की हत्याओं में शामिल है। जम्मू कश्मीर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। फिलहाल इसमें किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर से 289 किलोमीटर पूर्वोत्तर दिशा में जमीन से 15 किलोमीटर गहराई में था। केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई कॉर्बेवैक्स बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है। यह डोज 18 साल और उससे ऊपर के उम्र वाले लोगों को दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कॉर्बेवैक्स उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 16,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 16,047 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 19,539 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 54 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 59,14,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 64,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.41 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यहाँ के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किया है। देश भर में मानसून का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में तेज बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रक्षाबंधन के पहले आज यानी बुधवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में सोना 113 रुपए महंगा होकर 52,297 पर पहुंच गया है। हालांकि वायदा बाजार में सोने में गिरावट देखने को मिल रही है। एमसी एक्सपर्ट सोना 191 रुपए फिसलकर 52,298 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज दबाव देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में फ्लैट ट्रेडिंग रही। सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुआ, जबकि निफ्टी में हल्की तेजी रही और यह 17,500 के पार बंद होने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में आईटी शेयरों में बिकावली देखने को मिली। निफ्टी पर इंडेक्स करीब 1% कमजोर हुआ।